भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट हैं चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई, उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान, वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। और आज उन्होंने तय किया कि झारखंड को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इधर सर आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट हैं चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि उनकी जासूसी शुरू हो गई, उनके पीछे एक परिवार पड़ गया जो केवल परिवार की सत्ता चाहता है और उनको अपमानित करने का प्रयत्न किया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं बांटने दिए, उनको उनकी मुख्यमंत्री की बिना सहमति के, उनकी बिना जानकारी के विधायक दल की बैठक बुला ली गई। ऐसा अपमान, वो केवल चंपई जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड का अपमान हुआ है। और आज उन्होंने तय किया कि झारखंड को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका स्वागत है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत और ऊर्जा मिलेगी और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इधर सर आप लोग, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।